जय श्री अमरनाथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से श्री अमरनाथ जी की यात्रा का ऑनलाइन आवेदन करेंगे, किस तरीके से आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है और किस तरीके से आपको परमिट को डाउनलोड करना है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किन किन चीज़ों की यानी किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आवेदन करने के लिए। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप किस तरीके से श्री अमरनाथ जी की यात्रा का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ सदैव आप पर और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, श्री अमरनाथ जी की यात्रा का परमिट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है गूगल पर, और यहाँ पर आपको टाइप करना है श्री अमरनाथ यात्रा। इस पर जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन सर्विसेज का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले हमें सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसमें लिखा हुआ है यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें कितने स्टेप्स को फॉलो करना है, वो आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। इसके नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एग्री का एक ऑप्शन दिखाई देगा, और इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सभी कंडीशंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस एग्री वाले बटन को चेक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रूट ऑफ यात्रा का। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बालटाल और पहलगाम दो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यानी दो जगह आपको दिखाई दे रहा है जहाँ से आपको यात्रा शुरू करनी होती है। इन्हीं दोनों जगह से आपको अपनी यात्रा शुरू करनी है। तो आप अपना परमिट कहाँ का लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप बालटाल से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बालटाल सेलेक्ट करना होगा, और अगर आप यहाँ से पहलगाम से यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर पहलगाम को सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम जो यात्रा करने वाले हैं वो पहलगाम से यात्रा करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पहलगाम को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ यात्रा दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है जिस दिन से आप यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी जिस दिन का परमिट आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ से 26 जुलाई 2024 को यात्रा करने वाले हैं, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टिक करना है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 2717 अवेलेबिलिटी आपको यहां पर दिखाई दे रही है, यानी इतने रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन इस साल के केवल 3000 हैं, यानी पर डे के हिसाब से आप यहां पर 3000 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी यहां पर 2717 अवेलेबल हैं, तो हम यहां पर इसी डेट का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। इसके नीचे की तरफ अगर आप यहां पर देखेंगे तो यात्री डिटेल्स आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। आपको यहां पर जो पर्सन यात्रा कर रहा है उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर यात्री का नाम डालना होगा, जो कि आपको आधार कार्ड पे यानी आपके डॉक्यूमेंट पे जो पूरा का पूरा नाम है वही नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके अलावा जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रखा है उसके ऊपर जो नाम आपने मेंशन कर रखा है वो नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यात्री नेम हमने यहाँ पर डाल दिया है, और इसके बाद आपको यहाँ पर उनके फादर का नाम डालना है। तो हम यहाँ पर फादर डिटेल फिल कर लेते हैं। फादर्स नेम फिल करने के बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ईयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हुए अपने ईयर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 94 को सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें मंथ को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर उसकी जो भी डेट है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यात्री का आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके पास पोस्टपेड नंबर है तो दोस्तों आप यहां पर पोस्टपेड नंबर डाल दीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो यहां पर प्रीपेड नंबर डाल करके भी यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे केस में पोस्टपेड नंबर नहीं है, तो हम यहां पर अपना प्रीपेड नंबर फिल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर इमरजेंसी मोबाइल नंबर है। यहां पर आपको एक ऐसा नंबर देना है जो कि इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो हम यहां पर एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर फिल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम है आपका ईमेल आईडी का। तो दोस्तों मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी जरूर डालनी है, क्योंकि यहां पर जो ओटीपी आपका आएगा वो आपके पहले नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। तो हम यहां पर अपनी एक ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहां पर पर्सन का आधार कार्ड नंबर फिल करना है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आधार कार्ड नंबर यहां पर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर जरूर फिल करें। तो हम यहाँ पर फटाफट आधार कार्ड नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको इस पर्सन का स्टेट सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है।
इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक कॉलम दिखाई देगा जिसमें आपको अपने नॉमिनी की डिटेल्स फिल करनी है, यानी जिस पर्सन को भी आप यहाँ पर नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको उनका रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम फादर को सेलेक्ट करते हुए नीचे आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ब्लड ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यात्री एड्रेस है। तो यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। तो हम फटाफट यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, नो स्पेशल कैरेक्टर एग्जेम्प्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लैश आपको दिखाई दे रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप स्लैश के अलावा और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से हमारे सामने इस तरह का मैसेज रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कॉमा को यहाँ पर हटा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम आई प्रेस करते हुए इंडिया को सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हमने इंडियन सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमें मेडिकल डिटेल्स पर आ जाना है। मेडिकल डिटेल्स में सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्टेट का। तो यहाँ पर आपको वो स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट से आपने अपना मेडिकल करवाया है। तो यहाँ से हम दिल्ली को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो अपना मेडिकल करवाया है वो यहाँ पर दिल्ली से ही करवाया है। तो यहाँ पर आपकी जो भी लोकेशन है, यानी नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम न्यू दिल्ली को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम आपको हॉस्पिटल का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे हॉस्पिटल दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से आपको उस हॉस्पिटल को सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपना मेडिकल करवाया है। तो यहाँ पर हम अपना हॉस्पिटल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमें अथॉरिटी नेम को सेलेक्ट करना है। अथॉरिटी नेम पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर का नाम, इसके अलावा उनका ओपी नंबर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो कि आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पर लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी फोटोग्राफ यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो रखी है उस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने पर्सन का फोटो सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं उस पर्सन की फोटोग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ओनली PDF फाइल, इसके अलावा मैक्सिमम 1 MB की फाइल आपकी होनी चाहिए जिसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर हमने PDF में कन्वर्ट कर लिया है। PDF में फाइल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो दोस्तों आप किस तरीके से JPG को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर गूगल पर टाइप करना है I love PDF। इस पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कन्वर्ट PDF का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। और यहाँ पर जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा JPG to PDF, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट JPG इमेज का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करके अपनी इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपकी JPG फाइल है, और यहाँ पर आपको इसे ओपन कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा Convert to PDF का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपकी जो इमेज होगी वो यहाँ से PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड PDF पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो JPG थी वो यहाँ पर PDF में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं हमारी PDF फाइल है, और जो हमारी JPG फाइल थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी JPG फाइल है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसे ओपन करके दिखाना चाहूँगा कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो किस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये इस पर्सन का मेडिकल सर्टिफिकेट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके डॉक्टर का नाम, और इसके अलावा यहाँ पर नंबर आपको दिखाई देगा। इसी सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम इस सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट का जो इशू डेट होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, यानी जिस डेट पर आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया था वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हुए डेट को सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे केस में जो हमारा सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो 26 अप्रैल 2024 को इशू हुआ है। तो हमने यहाँ पर इस डेट को सेलेक्ट कर लिया है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो हम फटाफट यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एग्री दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड अबव इज करेक्ट, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर टिक करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। हमारे मोबाइल नंबर पर यहाँ पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को हमें यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको अपना OTP फिल करना है। तो दोस्तों OTP को फिल करने के बाद नीचे की तरफ आपको अपना कैप्चा फिल करना है। तो दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर वापस से क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन था वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ ही समय में मैसेज आ जाएगा। अब ये मैसेज 24 से 48 घंटे के अंदर आपके पास रिसीव होगा। तो दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से अगर आपका एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपके पास ईमेल पर और मैसेज दोनों में ही आपके पास मैसेज भेज दिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट करके अपनी परमिट को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों हमारे केस में 4 से 5 मिनट के अंदर ही मैसेज आ चुका है, तो हम यहाँ पर परमिट डाउनलोड करने वाले हैं। आप परमिट किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर होम वाले बटन पर वापस से क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब हमें सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेक पेमेंट डाउनलोड परमिट वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने यात्री का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एप्लीकेशन नंबर फिल कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री को सिलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा मेक पेमेंट एंड डाउनलोड परमिट का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाइड बाय ऑफिसर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यानी ऑफिसर ने आपका जो एप्लीकेशन था उसको यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। अभी आपकी पेमेंट यहाँ पर ड्यू है तो आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट को करने के लिए नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने वापस एक कैप्चा दिखाई देगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर वापस से फिल करना है। तो दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा वेरीफाई डिटेल का, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपकी जो डिटेल्स है वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी, यानी आपने अपने फॉर्म में जो डिटेल्स यहां पर फिल की थी वो सभी डिटेल्स आपको यहां पर दिखाई देगी। पेमेंट करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं HDFC बैंक आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करने से पहले आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आई एक्सेप्ट का, यानी यहां पर आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद वापस से HDFC बैंक पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहां पर हमने HDFC बैंक पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने यहां पर आपको अमाउंट दिखाई देगा 150 रुपये का, यानी इतना पैसा आपको यहां पर पे करना है। और इसके बगल में आप यहां पर देख सकते हैं आपका पेमेंट मेथड आपको दिखाई देगा, यानी कितने तरीके से आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। आप बैंक के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहां पर सजेस्ट करने वाला हूं कि आप यहां पर UPI के माध्यम से पेमेंट करिए, ये बहुत ही ईजी वे होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं आपकी टाइमिंग चल रही है, यानी 15 मिनट के अंदर अंदर आपको इसकी पेमेंट करनी होती है। तो हम यहां से UPI को सिलेक्ट कर रहे हैं। इनमें से आप किसी भी UPI ऐप को सिलेक्ट करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहां पर फोनपे को सिलेक्ट करते हुए यहां पर हम अपनी UPI ID फिल कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये UPI ID किसके नाम पर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे पर कुछ इस तरीके का आपको एक मैसेज दिखाई देगा। इस मैसेज पर जैसे आप यहाँ पर टैप करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना पिन यहाँ पर फिल कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद यहाँ से आप चाहें तो अपनी प्रिंट रिसिप्ट को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो पेमेंट की थी उसकी रसीद आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो हम इसको यहाँ पर फिलहाल सेव करके रख ले रहे हैं। दोस्तों इतना करने के बाद हमें वापस से यहाँ से बैक आना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वापस से मेक पेमेंट डाउनलोड परमिट पर वापस से क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन नंबर वापस से फिल करना है। तो हम यहाँ पर वापस से अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर वापस से कैप्चा फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पर वापस से आपको एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वही ऑप्शन फिर से दिखाई देगा मेक पेमेंट एंड डाउनलोड परमिट का, इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं वेरीफाई बाय ऑफिसर, इस पर भी आपका ग्रीन टिक आ गया है और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं पेमेंट मोड पे भी आपका यहां पर ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है। इसके बाद नीचे की तरफ जैसे आप यहां पर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो परमिट है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है।
तो इस परमिट को आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट रिसिप्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो फिलहाल हम इसे प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम इसे यहाँ पर सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप श्री अमरनाथ यात्रा का परमिट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।